कोरोना महामारी के बाद अब देश के कई राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का कहर है। इन राज्यों में अब तक कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें इंदौर शहर की तो बर्ड फ्लू के कारण अब तक कई पक्षी वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के एक ऐसे स्थान की जहाँ कौओं को दावत दी जा रही है और पक्षी भी निर्भीक होकर दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने मचाया मौत का तांडव। देश भर में हजारों पक्षी मौत के काल में समा गए, लेकिन इंदौर में है पक्षियों के लिए एक खास स्थान जहां पक्षी निर्भीक होकर ले रहे हैं दावत का आनंद। हाँ, भले ही बर्ड फ्लू वायरस दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहा हो, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐसा स्थान है जहाँ आसमान में विचरने वाले पक्षी शाम होते ही अपना डेरा जमा लेते हैं। और डेरा जमाए भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें उस स्थान पर मिलता है मनपसंद दावत का लुत्फ उठाने का मौका। जी हाँ, ये खास स्थान है इंदौर शहर के बीचों बीच राजकुमार ब्रिज का, जहां ब्रिज के नीचे रेल के छुक छुक की आवाज गूंजती है तो सड़क पर वाहनों के हॉर्न, लेकिन पक्षियों की इस टोली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। वो तो मस्त रहते हैं अनाज चुगने में। आप खुद ही देखिए किस तरह पक्षी दावत का आनंद उठा रहे हैं। दरअसल पक्षियों को दावत देने का सिलसिला नया नहीं है। पिछले कई सालों से पक्षी प्रेमी अपने घर से अनाज, सब्जियां और फल लेकर आते हैं और राजकुमार ब्रिज की डिवाइडर पर रख देते हैं। जैसे ही ब्रिज पर खाने की वस्तु पर पक्षियों की नजर पड़ती है तो पक्षियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। जब खबर मध्य प्रदेश के संपादक लखन शर्मा ब्रिज से गुजरे तो उन्होंने अपने कैमरे में इस अद्भुत क्षणों को कैद कर लिया। साथ ही पक्षी प्रेमियों से इस अनूठी दावत को लेकर चर्चा की। आइए जानते हैं इंदौर के पक्षी प्रेमी अपने इस अनूठे अंदाज पर क्या कहते हैं। कोरोना वायरस के बाद आए कोरोना के नए स्ट्रेन से देश और दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई थी, लेकिन इसके बाद आए बर्ड फ्लू ने देश और दुनिया में लाखों कौवों की जान ले ली। लेकिन इंदौर में राजकुमार ब्रिज पर आज भी हमेशा की तरह हजारों कौवे रोज की तरह दावत उड़ा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के राजकुमार ब्रिज पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ कौवे दावत उड़ा रहे हैं। अमूमन हर दिन यहाँ सैकड़ों कौवे आते हैं शहर भर से और अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पर इनके लिए अलग अलग खाद्यान्न सामग्री लेकर आते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि कौवों को खाने के खिलाने के लिए लोग श्राद्ध पक्ष में ही देखे जाते हैं, लेकिन इंदौर का राजकुमार ब्रिज एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर हर दिन लोग आते हैं और कौवों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। कई लोगों ने इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रखा है, जो सुबह शाम यहाँ कौवों के लिए भोजन सामग्री लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास का पूरा दृश्य, यहाँ पर चारों तरफ आपको कौवे ही कौवे दिखाई देंगे और ये सभी आप में आप इनको देख सकते हैं, ये इनका नियमित जो जीवन है वही जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो कौवों के लिए डेली खाद्यान्न सामग्री लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं उनसे। सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश राव पवार। कब से आप इन कौवों की सेवा में लगे हुए हैं और कब से खिला रहे हैं? मुझे बरसों हो गए हैं, जहाँ टाइम मिल जाए जिधर निकल जाता हूँ चले उधर खिला देता हूँ। बस ये कि कौवों की सेवा, गऊ की सेवा और कुत्तों की, बस ये तीन मेरा कभी सभी एक आधे मतलब नियम मेरा चूकता ही नहीं, तो बाकी बराबर में नियम से इनको ये टाइम पे यानी दिन भर में कभी भी खिला देता हूँ मैं।
क्या आपको जानकारी है अभी बर्ड फ्लू नाम की एक बीमारी चल रही है जिसमें दुनिया भर में कई कौओं की मौत हो चुकी है और लगातार जारी है। अब ये देखिए, ये तो महामारी है, तो अब ये पता नहीं कहाँ से आई है क्या नहीं। अब इसका पालन तो पब्लिक करती नहीं है। एक तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसान खुद अपनी हिफाजत नहीं कर रहा। कौओं के लिए भी एक बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आई है जिससे कौओं की दुनिया भर में जान जा रही है। नहीं तो वो तो फिर वो बर्ड मतलब फ्लू जो है वो तो मतलब पक्षी मुर्गियों इनका है, उस हिसाब से जैसे बीमारी उनकी वजह से लगती है, ये इंसानों में नहीं होती है ना बीमारी, ये तो उनकी वजह से बीमारी लगती है बस। और वो छुआछूत का ही है एक प्रकार है ये, क्योंकि अगर वो होते तो कई अभी सुनने में आता है कि कुक्कुट केंद्रों में कई होता है तो वो कई मुर्गियाँ मतलब मार देते हैं, तो वो बीमारी बढ़े नहीं इसलिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कई यहाँ पर लोग हैं जो कौओं के लिए यहाँ पर दावत परोसने आए हैं, आप देख सकते हैं। जबकि ये श्राद्ध का महीना नहीं है, आज 4 जनवरी 2021 है और अमूमन यहाँ पर हर दिन ऐसे कई लोग आते हैं जो कौओं को दावत देते हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर इन महोदय से जो इन कौओं के लिए दावत परोस रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। सर कब से आप इस सेवा में लगे हुए हैं? बहुत सालों से। सर क्या मकसद है आपका इस तरह से और क्या बस है? ये पक्षियों को कोई भी पक्षी अपना भूखा नहीं रहे, ऐसे कबूतर को भी सुबह दाने डालते हम लोग गांधी स्टैचू पे जाके, और ये एक अपने इंसानियत के नाते। एक बर्ड फ्लू नाम की अभी एक बीमारी आई है जिसमें कई कौओं की जान जा रही है, क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ बर्ड फ्लू आया है ना, पर बर्ड फ्लू अभी इंदौर में नहीं आया है क्या? और ये जो कौवे है और ये कौवे से फैला है ऐसा नहीं रहता है इसमें जी। इसमें बहुत से जैसे आपके मुर्गा पालन केंद्र वाले हैं जी, जी। कबूतर पालने वाले जो हैं उन लोगों से ज़्यादा फैलता है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पटेल। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे हर दिन ऐसे दर्जनों लोग आते हैं सैकड़ों हजारों कौवे को दावत परोसने के लिए, और इंदौर के राजकुमार ब्रिज पर हर दिन यह तस्वीर देखी जा सकती है। इंदौर के राजकुमार ब्रिज से कैमरामैन रजत जायसवाल के साथ मैं लखन शर्मा। इंदौर शहर को खाने पीने के शौकीनों और लजीज व्यंजनों के लिए देश भर में जाना जाता है। ऐसे में पक्षी प्रेमी भी पक्षियों को हर दिन एक नया व्यंजन परोसते हैं ताकि वो भी लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सके। भले ही दुनिया भर में बर्ड फ्लू को लेकर लोगों के साथ साथ पक्षियों में भय बना हो, लेकिन इंदौर के परिंदे आज भी खुले आसमान में सैर करने के साथ दावत उड़ाने में मस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।